हेलो गाइस, वेलकम टू द जी मेडिनेस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 के कमाल के अपडेट के बारे में, जो कि रिलेटिव है वॉर मशीन से। वॉर मशीन का सूट के बारे में बात करी जाए तो वो काफी हाईटेक है, जो कि क्रेडिट दिया जाता है आयरन मैन को। आयरन मैन ने अपना सूट के साथ साथ वॉर मशीन के सूट को भी काफी अपडेटेड करा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपने काफी सारी मूवी भी देखी होंगी, आयरन मैन 1, 2, 3, जिसमें कि वॉर मशीन का आर्मर काफी जबरदस्त रहा। उसके बाद सिविल वॉर, फिर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, देन वॉर मशीन ने अपना काफी काम करा है। और देन उसके साथ साथ एवेंजर 4 का एक कौन सा पार्ट रिलीज हुआ था, जिसमें वॉर मशीन का सूट हमें और ज्यादा अपडेटेड दिखा, जो कि मॉडल नंबर में काफी अलग था। देन इससे रिलेटिव काफी कमाल का अपडेट आया है। आप सभी को ये वाली पिक तो याद होगी, जिसमें कि रूसो ब्रदर ने एक पिक डाली थी, जिसमें कि हमें एक मशीन सी दिख रही थी। इस मशीन का कोई मकसद तो पता चल नहीं रहा था, बट आज का अपडेट आपको समझ में आ जाएगा। और देन ये सेम मशीन हमें दिखाई थी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, जो कि हमारे रॉस के पीछे जस्ट खड़ी हुई है, यानी कि लेटी हुई है, कुछ भी कह सकते हो। और देन इसका नाम है फोटोन कैनन। ये एक काफी खतरनाक वेपन है, जो कि सिर्फ वॉर मशीन के सूट पे लगता है, ना कि आयरन मैन के। और देन ये सूट इतना और ये वेपन इतना खतरनाक है, अगर इसके सामने कोई खड़ा हो गया तो उसका मौत निश्चित ही है। और देन ये काफी सारी बंदूकें वगैरह काफी सारी चीजें इसमें होती है इंक्लूडिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये हमें एवेंजर 4 में देखने को मिलेगा या नहीं, ये कोई अभी डेफिनेटली कंफर्म नहीं है। पर बिहाइंड द सीन ऑफ पिक इमेज को देख के लग रहा है कि हाँ, वॉर मशीन के पास ये न्यू वेपन होगा न्यू आर्मर के साथ, जो कि शायद वो में एक ऐसे मूवमेंट पे देखने को मिले जिससे कि सभी फैन तालियां बजाएं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।